हेलो एंड वेलकम बैक टू अ चैनल। आज ये मित्सुबिशी की चाबी आप देख रहे हैं, और अगर आप गाड़ी की बात करते हैं तो हमारे पास है थोड़ा एक्सक्लूसिव कार। यहाँ पे सामने आया पास है यहाँ पे मित्सुबिशी सीडिया। अगर की बात करते हैं अगर तो 2010 का ये मॉडल, 2010 का मॉडल है। और बात करते हैं गाड़ी की तो काफ़ी ज़्यादा क्लीन कंडीशन में है, तो एकदम से एक्सक्लूसिव वीडियो होने वाला है इस गाड़ी का दूंगा। और ओवरऑल गाड़ी कंडीशन आप देख लो, बहुत ही अच्छी कंडीशन में गाड़ी है। इस वीडियो में इस गाड़ी का पूरा प्रॉपर आपको डिटेल्स दूंगा कि क्या क्या चीज़ें मित्सुबिशी ऑफर करता था इस गाड़ी में। और यहाँ पे आपका हाईलाइट बताऊँ तो 2 लीटर का यहाँ पे इंजन आता था, और इंजन पे अभी हम आप यहाँ पे हमने फ्लैग ला के रखा है तो इंजन में खोल के दिखा नहीं सकते हैं, बट ओवरऑल इस गाड़ी की पूरी बात इस वीडियो में होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल से कवर करते हैं तो मित्सुबिशी का यहाँ पे आपको लोगो मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रोमियम फिनिश में आता था। और ग्रिल की बात करते हैं तो 2 स्पोक में यहाँ पे ग्रिल लेके दी गई है, छोटा सा आपको नंबर प्लेट मिलता है। और यहाँ पे थोड़ी सी रेसिंग किट स्टाइल में इसकी बॉडी किट पहले से आया करती थी, जो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात थी। उसके बाद बात करते हैं हेडलैम्प्स की, तो आप देखो स्मोकी ट्रीटमेंट से हेडलैम्प्स के, हेडलैम्प की बात करें तो यहाँ पे स्मोकी ट्रीटमेंट आपको दिख जाती है। हेलोजन है पूरा, और इंडिकेटर्स भी आपको मिल जाते हैं। नीचे की बात करें तो फॉग लैंप्स की सुविधा यहाँ पे मिल जाती है। ओवरऑल इस कलर में ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। बोनेट की बात करें तो काफ़ी वाइड और बड़ा सा बोनेट आता था, क्योंकि उस टाइम के ओल्ड स्कूल फैशन को ये जस्टिफाई करती थी गाड़ी। और गाड़ी देखने में बहुत ही ज़्यादा रेसिंग इंस्पायर्ड लगती है, मतलब रैली रेसिंग, अगर आप पता है कि रैली कार्स कैसी होती हैं, तो बिल्कुल ही उसी स्टाइल में गाड़ी बनाई गई थी। उसके बाद बात करते हैं व्हील्स की, तो यहाँ पर हमको व्हील्स यहाँ पे वाइट कलर की यहाँ पे व्हील्स में किए गए हैं, और योकोहामा के इसमें टायर्स लगे हैं। प्रोफाइल की बात करें तो 205/55R15 15 इंच के यहाँ पे अलॉय व्हील मिलते हैं, रेड इसमें कैलिपर्स मिल जाते हैं आपको डिस्क के। और सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पे क्लियरली विजिबल सस्पेंशन। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, ORVM मिल जाते हैं, जो कि कम्प्लीटली स्टॉक है इस गाड़ी में। बहुत ही ज़्यादा वर्क इसमें नहीं हुआ है, लेकिन कुछ वर्क बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ है इंटीरियर में, उसकी तो पूरी बात इस वीडियो में करनी पड़ेगी। डिकेल्स की बात कर लेते हैं, साइड में आपको थोड़े से रैली इंस्पायर्ड स्टिकर्स देखने मिल जाते हैं, जो कि एक्सटर्नली कराए गए हैं, वहाँ से नहीं आते थे, एक्सटर्नली कराए गए हैं इस वीडियो में। रेयर साइड में आपको डिस्क मिलती 2010 में, आप देख लो, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात हो जाती है। और कवरिंग काफ़ी अच्छी आती है, इंसुलेशन काफ़ी अच्छी आती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 165 mm गेस इसमें आता था, या फ्यूल लिड आपको मिल जाती है। पीछे की तरफ आते ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो टेल लैंप है वो बहुत ही ज़्यादा आफ्टर मार्केट लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है, मैं ये कह सकता हूँ। स्पोर्ट्स का बैचिंग आता है, हमें इसके मॉडल मित्सुबिशी की यहाँ ब्रांडिंग आती है, और सीडिया है यहाँ पे गाड़ी का नाम, तो मित्सुबिशी सीडिया गाड़ी आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद बात करते हैं पीछे के टेल लैंप्स की कंप्लीट, तो पूरा हेलोजन ट्रीटमेंट है, कोई इसमें LED ट्रीटमेंट नहीं आता था 2010 में, लेकिन लुक एट द वे ये ऐसे हुई है। स्मोकी एडिशंस भी इसमें दिए गए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा देखने में अच्छे हैं। फिर ये एग्जॉस्ट इसमें आफ्टर मार्केट डाला है, जो कि काफ़ी अच्छा साउंड करता है, अभी वो भी आपको सुना दूंगा। ओवरऑल जो इसका बम्पर है वो भी काफ़ी अच्छा है, और गाड़ी की शेप जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटैक्ट है, कोई भी ऐसा मतलब डी शेप नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर शेप में गाड़ी है, बढ़िया शेप में। उसके बाद ये आपको स्पॉयलर्स मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको हाई स्टॉप माउंट लाइट भी देखने को मिल जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। एंटीना आपको कन्वेंशनल देखने मिलता है, क्योंकि पुरानी गाड़ियों में आया करता था। पीछे आपको वाइपर्स तो नहीं मिलते हैं, लेकिन डिफॉगर की सुविधा देखने को मिल जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और यहाँ पर इतना ज़्यादा स्पेस है कि आप बैठ के कुछ खाओ पी भी सकते हो। नीचे के अगर एंगल्स की बात करते हैं तो वो भी काफ़ी सही है, अगर आप देखो नॉर्मल इंडियन कंडीशंस में इस गाड़ी को इजीली रन कर सकते हो, स्पीड ब्रेकर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। और ओवरऑल जो इसका डिज़ाइन एलिमेंट्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा रैली रेस इंस्पायर्ड लगता है। तो ये पूरी थी एक्सटीरियर की, आप चलते हैं इंटीरियर की तरफ, इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें आपको मिलती है। चलिए गए इंटीरियर तक चलते हैं आप थोड़ा सा, क्योंकि एक्सटीरियर पूरा कवर कर चुके हैं इस गाड़ी का। सबसे पहले डोर की जो क्वालिटी है वो आपको दिखा देता हूँ, तो आप देख रहे हो क्या क्वालिटी दे रहा था पहले ही गाड़ियाँ। बात करते हैं तो ऑल ब्लैक इसमें इंटीरियर आता है, यहाँ पे आपको चारों पावर विंडोज़ के स्विचेस आ जाती है, यहाँ पे क्रोमियम फिनिश आता है। उस टाइम भी मित्सुबिशी काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि इंडियन मार्केट को समझने की,
और जो मेन हाईलाइट है इस गाड़ी का वो है इसका तो पहला स्टॉक स्टीयरिंग व्हील। दूसरी बात करते हैं तो दूसरी बात जो इसका मेन हाईलाइट है वो है इसका पेंट जॉब। आपको पता है ये कोई स्टिकर नहीं है, ये पूरा पेंट जॉब है, डिप करके पेंट किया गया है। और सिर्फ एक जगह नहीं है, काफ़ी जगह आपको ट्रीटमेंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको पेंट जॉब मिल जाएगा, यहाँ पर आपको पूरा जो रेड है यहाँ पर रेड थीम मिल जाएगा, पिलर्स पे आपको पेंट मिल जाएगा। मतलब ओवरऑल अपने टेस्ट के हिसाब से गाड़ी मॉडिफाई की गई है। और जो सबसे अच्छी बात मेरे को सीडिया में लगती है वो तो पहले बात तो थर्ड है, दूसरा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखो आप, कितना सिंपल कितना यूनिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका आता है। कुछ भी ज़्यादा कुछ ओवर डन एलिमेंट्स नहीं इसमें आपको दिखेंगे। और ओवरऑल इसमें आपको SRS एयरबैग्स भी एक मिल जाता है, आपको दिख रहा है SRS एयरबैग का एक आपको एयरबैग मिलता था। उसके अंदर की बात करें तो आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा नया देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको कुछ स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, काफ़ी यूनिक है, देखने में अच्छा लगता है। आफ्टर मार्केट आपको मिलता है यहाँ पे, ओवरऑल इंफोटेनमेंट यहाँ पे आपको हजार्ड लैंप्स के स्विच मिल जाएंगे, एक क्लॉक देखने को मिल जाएगी यहाँ पे आपको। ओवरव्यू की बात करें तो डिमिंग या ऑटो डिमिंग उस टाइम नहीं है, 2010 की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको देखो तो बहुत ज़्यादा रायली इंस्पायर्ड इंटीरियर गाड़ी का रखा गया है। स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग भी आपको बिल्कुल से स्टॉक देखने मिलती है, और ये मोमो स्टीयरिंग कहते हैं इसको, देखने में अच्छा लगता है। यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक देने की पूरी कोशिश की गई है। यहाँ पे स्टीयरिंग के यहाँ पे आपको एसी कंट्रोल्स मिल जाते हैं। गियर लीवर की बात करें तो आपको 5 स्पीड का यहाँ पे मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है, और जिसके शिफ्टिंग थोड़े से स्लीक टाइप के हैं और थोड़े क्लिक्स आपको सुनाई पड़ते हैं। उससे ग्लव बॉक्स की बात करें तो डिसेंट ग्लव बॉक्स देखने को यहाँ पे मिल जाता है आपको। और इंटीरियर की बात करें तो क्वालिटी इंटीरियर की काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मेरे को, ये पीछे की बात भी आपको बता दूंगा। और जो इसका स्पेस मैनेजमेंट है वो भी इस गाड़ी का अच्छा है, हालांकि अंडर थाई सपोर्ट तो नहीं है कि रैली थोड़ा रैली इंस्पायर्ड गाड़ी थी तो अंडर थाई सपोर्ट उतना अच्छा नहीं मिलता है इस गाड़ी में, लेकिन ओवरऑल बाकी चीज़ें काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं। ओवर व्यूम्स की बात करें तो वो भी अपना काम डिसेंटली कर देते हैं। चलिए पीछे की बात करते हैं थोड़ा। पीछे की बात अगर हम करें तो पीछे की स्पीसेस आपको सही सही देखने को मिल जाती है। ये सीट बिल्कुल से पीछे से लेटने वाले पोस्चर में थी तो सही सीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सच होती है। ओवरऑल यहाँ आपको आपको आर्मरेस्ट भी देखने मिल जाता है, तो ओवरऑल एक अच्छा पैकेज आपको देखने मिलता है आपकी। देखो बढ़िया चीज़ें आपको इस गाड़ी में मिल जाती हैं। चलो ड्राइविंग के बारे में बताते हैं, एग्जॉस्ट नोट आपको सुनाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कैसा माजरा है इस पूरी गाड़ी का। बेटा छोड़ो ना।